खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। शोपिया जिले के डारमडोरा कीगम इलाके में सुबह से मुठभेड़ चल रही है, सुरक्षा बलों ने इसमें चार आतंकियों को मार गिराया है। बता दें आपको, सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने उस इमारत को उड़ा दिया है जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। अब तक चार आतंकियों के शव बरामद हो चुके हैं इलाके से। आज सुबह से लगातार एनकाउंटर चल रहा था। अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी से। आसिफ, सुबह भी हमने बात की थी और अब जो अपडेट है वो ये कि चार लाशें मिल चुकी है आतंकियों की। बिल्कुल कुमकुम, अब इसकी आधिकारिक पुष्टि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों की तरफ से की गई है कि इस मुठभेड़ वाली जगह से चार शव बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है कि इन चारों की पहचान क्या है और किस ग्रुप से इनका ताल्लुक है। लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार चारों जो है वो स्थानीय युवक हैं और उनमें से केवल एक के बारे में ये बताया गया है कि वो पिछले 3 सालों से सक्रिय था और हिजबुल मुजाहिदीन से टूटकर हाल ही में ही अंसार गजवतुल हिंद, जो कि ISIS की एक प्रभावित संगठन है जम्मू कश्मीर में, तो वो उसके जुड़ा हुआ था। और 3 अन्य के बारे में कहा जा रहा है कि उनमें से 2 पिछले 48 घंटे में ही इस गुट में शामिल हुए थे, जबकि एक के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उसने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जाहिर की गई थी जिसमें उसने अंसार के साथ जुड़ने के बात कही थी। लेकिन आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार है, मुठभेड़ के खत्म होने के बाद ही पूरे शोपिया पुलवामा बेल्ट में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते सुरक्षा भी और बढ़ा दी गई है। आसिफ, लगातार नजर आप बनाए रखें। तो कुल मिलाकर जो अपडेट निकल रही है, 4 में से जो आतंकी 3 है वो स्थानीय बताए जा रहे हैं, इनमें से एक आतंकी ऐसा है जो 3 साल से सक्रिय था, बाकी के 3 जो आतंकी बताए जा रहे हैं उनको ज्यादा वक्त इस संगठन से जुड़ा हुआ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन सबके बीच ऑपरेशन ऑल आउट लगातार में कैसे जारी है सुरक्षा बलों का और आतंक का एनकाउंटर कैसे अब तक हमारी सेना, हमारे जवानों ने किया है। 2019 से अब तक 120 आतंकी मार दिए गए हैं, यानी कि आधा साल और 120 खत्म। 2019 में सुरक्षा बलों के भी कई जवान शहीद हुए हैं। 2018 में 287 आतंकी मारे गए थे, तो हर साल का आंकड़ा हमारे पास है। कुल मिलाकर 2018 में 81 जवान शहीद हुए थे। हालांकि जवानों के शहीद होने का जो सिलसिला है वो बड़ा है हाल ही के सालों में। 2018 में 91 जवान शहीद हुए थे, अब यह आंकड़ा बड़ा है, लेकिन आंकड़ा आतंकियों के मारे जाने का भी बड़ा है।